नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में डेवलप किए जाने वाले एक न्यू ब्रिज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो बिहार स्टेट में एक और ब्रिज को डेवलप करेंगे और इसके लिए काम स्टार्ट करते हुए टेंडर फ्लोर कर दिए गए हैं। तो इससे जो ब्रिज होगा ये 14.52 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 9.45 किलोमीटर लंबा तो ब्रिज होगा जबकि 5.07 किलोमीटर के अप्रोच रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में दानापुर टाउन के शेरपुर लोकेलिटी से दिगवारा के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन गंगा रिवर के ऊपर किया जाना है। और ये जो 6 लेन वाला ब्रिज होगा इसके ऊपर ओवरऑल हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 4995 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये बनकर तैयार होगा। एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो बिहार के सारण, सिवान एंड गोपालगंज, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं उनको ट्रैवलिंग के लिए एक अल्टरनेट रूट मिलेगा। साथ साथ पटना से सारण के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। सितंबर तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस जुलाई मंथ का भी जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेटा है वो रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों उस डेटा के अकॉर्डिंग जुलाई मंथ में हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 35.24 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं और करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट ठीक ठाक हैं। सो बेसिकली दोस्तों जुलाई 2021 में हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 35.51 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि जुलाई 2022 में 35.24 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पर ये आपको थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले हैं। जुलाई में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टेक्सटाइल्स, इस तरह की जो थिंग्स हैं उनके एक्सपोर्ट ज़्यादातर किए गए हैं। और हर बार की तरह बात करें इंपोर्ट की तो जुलाई मंथ में एक्सपोर्ट्स 66.26 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर टू ईयर बेसिस पर 43.59% ग्रो हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जुलाई 2021 में हमारे इंपोर्ट्स 46.51 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे और यही मेन रीज़न रहा है कि जुलाई में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 31.02 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गया है और ये आज तक का हाईएस्ट एवर मंथ ट्रेड डेफिसिट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी नेवी की नेवल पावर्स को इंक्रीज करते हुए हमारी इंडियन नेवी को 2 MS-60R हेलीकॉप्टर्स US के द्वारा डिलीवर कर दिए गए हैं और इसकी डिलीवरी कोची में ली गई है। सो बेसिकली दोस्तों 2020 में हमारी इंडियन नेवी ने US बेस्ड लॉकहीड मार्टिन के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके थ्रू हमारी इंडियन नेवी 24 MS-60R हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करेगी। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी जिसकी ओवरऑल वैल्यू 14,000 करोड़ रुपीज़ की थी। एज ऑफ नाउ इसके अंतर्गत 3 हेलीकॉप्टर्स हमारी इंडियन नेवी को US में ही डिलीवर कर दिए गए हैं, जहां पर इनके लिए ट्रेनिंग चल रही है। 2 और हेलीकॉप्टर्स अब हमारे देश में कोची में हमारी नेवी को सौंप दिए गए हैं। इसी मंथ में एक और हेलीकॉप्टर हमारी नेवी को सौंप दिया जाएगा और कंडीशंस के अकॉर्डिंग 2025 तक ये पूरे के पूरे 24 हेलीकॉप्टर्स हमारी नेवी के पास में आ जाएंगे, जिसके बाद में कहा ऐसा गया है कि हमारी नेवी की जो एंटी सबमरीन एंड एंटी शिप वारफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं वो और भी इंक्रीज होती देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में 5G ऑक्शन को लेकर, जहां पर दोस्तों आपको बहुत ही जल्द हमारे देश में 5G लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे देश में 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद हमारे देश में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है वो करवाया गया है और इस बार जो ऑक्शन करवाया गया है इसके दौरान हमारी गवर्नमेंट को आज तक की हाईएस्ट एवर स्पेक्ट्रम रिवेन्यू जनरेट हुई है, क्योंकि इस 5G ऑक्शन में हमारी गवर्नमेंट को 1,50,173 करोड़ रुपीज़ के स्पेक्ट्रम बिड्स रिसीव हुई हैं, जो कि 4G स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। दोस्तों 4G स्पेक्ट्रम के लिए 77,815 करोड़ रुपीज़ की बिड्स रिसीव हुई थी। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंतर्गत 88,078 करोड़, भारती एयरटेल ने 43,084 करोड़, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 18,799 करोड़ एंड अडानी ग्रुप के द्वारा भी 212 करोड़ रुपीस की जो बिड्स हैं वो लगाई गई है। तो सो देखते हैं कि हमारे देश की कौन सी सिटी में सबसे पहले 5G लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन का जो फेज 2 है वो स्पेसिफिकली डिफेंस इंडस्ट्री के लिए लॉन्च किया जाना है। और अब इसके अंतर्गत हमारे देश में डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड R&D है उसके ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों करंटली जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे देश की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो दुनिया की दूसरी डिफेंस इंडस्ट्रीज के मुकाबले में इतनी एडवांस नहीं है, पर क्योंकि हमारे देश की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप एंड
एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस फोर्सेस मानी जाती है, तो इसी के चलते मैंडेटरी हो जाता है कि हमारा देश डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंट हो। और इसी डायरेक्शन में जाते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा हर साल एक ऐसी लिस्ट को अनाउंस किया जाता है जिसमें वो प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जिनको हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अब एक बड़े स्केल पर हमारे देश में डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए न्यू प्लान सामने रखा गया है। कहा ऐसा गया है कि सबसे पहले एयरबोन इंजन्स हैं जो मरीन इंजन्स हैं उनके ऊपर काम स्टार्ट होगा, जिनको हमारी इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स एंड हमारी नेवी के जो ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स हैं उनमें यूज़ किया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ऑन डिफेंस कंपनीज, PSUs, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं वो ओवरऑल 75,000 के मार्क को टच कर गए हैं। और अब हमारे देश में हर एक दिन में 80 स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दोस्तों मैंने अभी एक दो हफ्ते पहले ही आपको बताया था कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं उनके नंबर ऑलमोस्ट 73,000 के पास में पहुंच गए हैं। और अब 75,000 स्टार्टअप्स का मार्क भी टच कर लिया गया है। कहा ऐसा गया है कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो हर दिन 80 स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये जो स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज या फिर जो रजिस्ट्रेशन का रेट है वो वर्ल्ड में एज ऑफ नाउ हाईएस्ट है। और 75,000 स्टार्टअप्स में से 12% स्टार्टअप्स आईटी सर्विसेज में, 9% हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज में, 7% एजुकेशन में, 5% प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज में, 5% एग्रीकल्चर में, इन सब एरियाज में रिकॉर्ड किए गए हैं। और कहा गया है कि आने वाले समय में ये इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि मुंबई में जो रोड्स हैं उनको कंक्रीट रोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर BMC के द्वारा 5,809 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ मुंबई में बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जिनको BMC के द्वारा प्लान किया गया है कि कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ 1,000 किलोमीटर से ऊपर के रोड्स को BMC ने ऑलरेडी कंक्रीट रोड्स में कन्वर्ट कर दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में भी 236.58 किलोमीटर के रोड्स को कंक्रीट रोड में कन्वर्ट करने पर काम चल रहा है, जिसके ऊपर 2,200 करोड़ रुपये स्पेंड किए जा रहे हैं। और अब इस काम को और भी फास्ट बेसिस पर डालते हुए 400 किलोमीटर के और रोड्स को भी कंक्रीट रोड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड डक्स, सॉक पिट्स, CCTV इस तरह की चीजों पर भी काम होगा। ओवरऑल एक बार जब टेंडर दे दिया जाता है तो 5,809 करोड़ रुपये स्पेंड करके अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये जो 400 किलोमीटर की लेंथ के रोड्स हैं इनको कंक्रीट रोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई सिटी में जो इंडियन राउंड रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज प्रमोशन कमेटी के द्वारा चेन्नई के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं, जिनके ऊपर 508.52 करोड़ भी स्पेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो चिन्ना नोलम्बूर में एंड ओम शक्ति नगर में 60 करोड़ रुपीज़ की लागत से एक एक ब्रिज, 100 करोड़ रुपीज़ का चेन्नई मेगा स्ट्रीट प्रोजेक्ट, वलुवूर कोट्टम में 176 करोड़ रुपीज़ का एक न्यू फ्लाईओवर, अदम बक्कम लेक पर भी 5 करोड़ रुपीज़ का एक छोटा ब्रिज, साथ साथ तिरुचिरापल्ली, त्रिपुर, करूर, कांचीपुरम एंड रवीश्वरम यहाँ पर भी तमिलनाडु स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेनिटीज प्रमोशन कमेटी के द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। स्पेसिफिकली ज़्यादातर तो रोड प्रोजेक्ट्स ही हैं एंड इनके ऊपर भी 128.8 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।